इन विंटर्स आप जानते हैं कि कश्मीर में जब विंटर्स आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर में जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं उनकी वो बंद होते हैं, यानी कि ये जो वायरस होती है ये कट होती है विंटर। देखिए, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो जो है शाख तराशी वो शुरू हो चुकी है। इस शाख तराशी करने से हमें जो बागबान होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहले तो हम अगर बात करेंगे जो पेड़ों पे लगे कीड़े होते हैं वो इस शाख तराशी से ख़त्म होते हैं, और दूसरी बात जो है ज़िले शोपियान में स्नो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्नोफॉल की वजह से पेड़ों में बहुत ही नुकसान पाया जाता है। तो अगर शाख तराशी अच्छी तरह से किया जाए तो पेड़ स्नोफॉल से कहीं ना कहीं बच जाता है। और रही बात तीसरा जो फ़ायदा है इसका, जो कि विंटर्स आने वाला है, उससे शाख तराशी करने के बाद जो है बागबान उन जो कटे हुए शाख होते हैं या कुछ होते हैं उनका जो है ये कोयले बनाते हैं ताकि वो विंटर्स में जो अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। देखिए, अगर हम वादी कश्मीर की बात करें, जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से पूरा जो है पावर गैजेट्स या कुछ भी सारा ठप रहता है। तो उस ज़मन में हम पुरानी सदियों का जो है रवायत चली आ रही है, हमारी जो फायर पॉट्स है या ये जो शाख तराशी करने के बाद जो हम कोयले बनाते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि उस सर्दी से हम महफूज रहें।